हेलो बच्चों, कैसे हो सब? प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। इस सीरीज में बेटा हम वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वेव ऑप्टिक्स के 2013 टू 2019 के बीच में, तो उन क्वेश्चंस को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसके उससे रिलेटेड जो बेसिक जो थ्योरी होगी उस थ्योरी को भी हम कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। द्रुत वेग से चलती हुई इलेक्ट्रॉनों की एक समानांतर किरण पुंज किसी पतली झिल्ली पर लंबवत आपतित होती है। इस झिल्ली से पर्याप्त दूरी पर एक प्रदीप्त पर्दा रखा है। यदि इलेक्ट्रॉनों की चाल को बढ़ा दिया जाए तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो हमें ट्रू स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ओके। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कम हो जाएगी। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी अनअफेक्टेड, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अप्रभावित रहेगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के कारण पर्दे पर विवर्तन पैटर्न नहीं दिखाई देता। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज, विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक स्लिट है, एक सिंगल स्लिट है, और स्लिट पर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को इंसिडेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से इंसिडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ठीक है। तो स्लिट के आगे फर्दर एक स्क्रीन रखी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उस स्क्रीन पर इंसिडेंट होंगे तो वहां पर ब्राइट स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखें हम तो यहां पर डिफ्रैक्शन का कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से लिंक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लाइट के लिए तो हमने पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन है, चलो ठीक है, स्लिट पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो सामने स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है एंड देन फिर मिनिमा, देन जो अदर जो मैक्सिमाज बनते हैं उनका एक पैटर्न हमें दिखाई देता है बेटा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वेव ऑप्टिक्स और कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी मिला जुला ये क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपन लाइट से कैसे कंपेयर करें? तो बेटा आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो मैटर वेव के बारे में, है ना, मैटर वेव। तो कोई भी पार्टिकल है किसी वेलोसिटी वी से अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। और मैटर वेव से ही हम उस पार्टिकल की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को फाइंड करने में वो मैटर वेव जो है हेल्प करती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। और उस वेव को हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव। तो मैटर वेव है दैट मींस उस वेव की वेवलेंथ भी होगी, है ना। तो डी ब्रॉय ने क्या बताया था, जो वेवलेंथ है मैटर वेव की लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी के इक्वल होती है, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो वहां से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और वेव की तरह ट्रीट करेंगे और वेव के साथ डिफ्रैक्शन होता है ना। तो सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न डेफिनेटली देखने को मिलता है बेटा। तो जैसे ये स्लिट है और यहां पर ये स्क्रीन है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो इंसिडेंट हो रही है, हाई स्पीड से। लेट्स से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो v है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एज ए वेव की तरह हम उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस स्लिट के सामने हमें सेंट्रल मैक्सिमा नजर आएगा, फिर मिनिमा, एंड देन फिर सेकंड ऑर्डर जो सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ इस टाइप से ये पैटर्न मिलता है, ये इंटेंसिटी का कर्व है। तो इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो इस सेंट्रल मैक्सिमा वाले पार्ट के अंदर आके स्ट्राइक करते हैं। इस रीजन में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमा है, देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, यहाँ वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी एज ए वेव की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं बेटा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए
अगर आपको इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी हो, है ना, या इसकी एंगुलर पोजिशन बता करनी हो या विड्थ फाइंड आउट करनी हो, तो हम इसके साइड में जो मिनिमा बन रहे हैं ना, उन मिनिमा से अपन सेंट्रल मैक्सिमा को लोकेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ भी होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर जो मिनिमा है उसका जो एंगुलर पोजिशन है, लेट से थीटा है, और काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है, काफी डिस्टेंस पर हमने लिया है, तो ये जो बीम है, जो वेव है, उसको हम स्टेट कंसीडर करके उसका इंटरफेरेंस करवा करके इस टाइप का पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू आती है, दैट इज ए बाय लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, और वेवलेंथ बेटा मैटर वेव से अगर अपन वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, एंड पी इज एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये वाली वैल्यू यहां रख दें अपन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एच बाय एम वी, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाय एम वी और ए डिवाइड में आ गया। ये आपके पास साइन थीटा या थीटा की वैल्यू आ चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। तो अगर आप स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करते हो तो वी इंक्रीज होगा, वी इंक्रीज होगा तो ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो जो थीटा है ना, एंगुलर पोजिशन जो है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो थीटा अगर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बेटा डिक्रीज हो जाएगी। अब आप ये यहाँ पर देखिए, इसको वाइप आउट कर देता हूँ मैं। तो क्या पूछा है इसमें था, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो वो सारे इनकरेक्ट हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसमें मैटर वेव को भी इंक्लूड किया गया है, तो ये चीज जरूर ध्यान दें। अब जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने, मतलब डिफ्रैक्शन जो है सिंगल स्लिट से, उस वाले में इस क्वेश्चन को यूज कर लिया हमने। सिमिलर वे से जैसे वाईडीएससी के अंदर भी अगर आपको लाइट बीम की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम दे दी जाए और उसमें पूछ लिया जाए बताइए फ्रिंज विड्थ कितनी है, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो वहां पे लैम्डा जहां आ रहा है ना, उसको आप मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, और पी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 348। ए बीम ऑफ लाइट लैम्डा 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 mm वाइड एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2 meters अवे। तो 2 meters अवे, 2 meters काफी लार्ज डिस्टेंस है 1 mm की अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जो दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंज बनेंगी, जो मिनिमा मिलेगा ना, उनके बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो अभी भी जो डायग्राम बनाया था ना, वही सेम उसी टाइप का डायग्राम बनाऊंगा वापस। डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये स्क्रीन है सामने, ठीक है, यहाँ एक स्लिट है, ये नैरो स्लिट है, इस स्लिट की जो विड्थ है वो ए के इक्वल है, स्लिट विड्थ इज ए, यहां से ये लाइट बीम आ रही है, ठीक है। वेव फ्रंट आप यूं ले सकते हो, प्लेन वेव फ्रंट है, उसके बाद में यहां पर लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी, एंड डिफ्रैक्शन के बाद में आपको इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट मिनिमा है इस तरफ, ठीक है, तो जैसे इसमें कहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ जो जो डार्क फ्रिंज मिल रही है हमें, देखो ये भी डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क फ्रिंज है, मिनिमा है ना, राइट, तो वो डार्क फ्रिंज है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा हमसे सिंपली, और हमें ये अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए जो एंगुलर पोजिशन होती है थीटा, थीटा को आप लिख सकते हो इस रिलेशन से, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड ए इज द स्लिट विड्थ। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा को आप ऑलमोस्ट थीटा लिख सकते हो, तो साइन थीटा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एंड थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। और यहां से एक चीज देखिए आप, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं एक्स कंसीडर कर लूं, देखो ये सेंटर पॉइंट है स्क्रीन का, इससे फर्स्ट मिनिमा जो मिल रहा है आपको, ये वाली डिस्टेंस सपोज एक्स है, और स्क्रीन की जो यहां से डिस्टेंस है स्लिट से वो है कैपिटल डी। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट
as theta equals to arc upon radius. Here the arc is x and radius is capital D. Okay, so theta almost आप क्या लिख सकते हो x by capital D. Then we have x equals to lambda capital D by small a. तो ये distance यहाँ से आई, लेकिन दोनों तरफ जो first dark fringe बन रही है उनके बीच का distance कितना होगा? तो जो pattern ऊपर बन रहा है same pattern नीचे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो distance है that is 2x. तो width हमसे ये वाली distance पूछी है, इसको small d आप consider कर लीजिए, तो small d equals to 2 times of x. तो यहाँ से 2 times of lambda capital D by small a. ये यहाँ से आप value find out कर सकते हो. तो दोनों जो first dark fringes बन रही है ना उनके बीच का distance हमसे पूछा था यहाँ पर, और यही हमें length find out करनी है. तो अब आप देखिए यहाँ पर जो lambda की जो value है ना वो 600 nanometer है, right? तो lambda की value 600 nanometer हम रख देंगे यहाँ पर, 2 into 600 nanometer, right? तो ये आ जाएगा 10 to the power minus 7, ठीक है? और capital D जो 2 meter के equal है, वो रख दिया मैंने, upon small a. Small a जो है वो slit width है, which is 1 mm. 1 mm means 1 into 10 to the power minus 3 meter में आ गया ये. ये से इसको cut कर देंगे, ये 4 बचेगा यहाँ पर. बाकी इसको multiply कर दें, यहाँ पर 2 into 2, 4, 4 into 6, मतलब 24, right? 24, that means 2.4 into 10 to the power minus 3 मीटर. तो जो वैल्यू आई ना वो 2.4 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, मतलब सीधी सी बात है 2.4 mm आ गया, है ना? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन YDSC पर है, ठीक है? और क्वेश्चन काफी इजी है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. इन YDSC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के. तो YDSC के अंदर हमसे ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, YDSC में क्या होता है, दो स्लिट्स होती हैं बेटा, ठीक है, राइट? यहां पे ये स्क्रीन है, तो जो वेव है ना वो वेव यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है. आप रे से रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली, ठीक है? तो यहां से ये वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट, दोनों स्लिट S1 एंड S2, और स्लिट का जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वो स्मॉल d है, और किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर इनके बीच में इंटरफेरेंस हम करवाते हैं, है ना? और इंटरफेरेंस के लिए हम पाथ डिफरेंस देखते हैं, पाथ डिफरेंस से फिर फेज डिफरेंस निकाला जाता है, और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब अगर n लैम्डा है तो इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव, हिंदी में संपोषी व्यतिकरण, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, ट्रफ से ट्रफ मिलता है. और अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव मिलता है हमें, मतलब विनाशी व्यतिकरण मिलता है, क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है. और अगर एम्पलीट्यूड सेम होता है दोनों वेव्स का, इंटेंसिटी सेम होती दोनों वेव्स की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जीरो इंटेंसिटी मिलती है फिर, ठीक है? तो इस टाइप से ही हमें दे रखा है. और हमसे क्या कहा गया है कि ये जो स्क्रीन पर जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में वो लैम्डा है. अगर लैम्डा है इसका मतलब लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा अगर इस पैटर्न में है तो इंटरफेरेंस डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव होगा. और मान लीजिए कि यहां से जो वेव आ रही है, इस वेव की इस स्क्रीन पर इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, लेट्स से इंटेंसिटी है आई, और ये जो वेव आ रही है इसकी जो इंटेंसिटी केवल इसी वेव की, इंडिविजुअली इस वेव की यहां पर इंटेंसिटी सपोज आई है, दोनों की इंटेंसिटी आई ही है, है ना? और पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है बेटा, और सपोज पाथ डिफरेंस कुछ भी हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आता है डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. ये डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस, ठीक है? तो अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो तो वहां से आप फेज डिफरेंस निकालना सीखें, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस. और अगर आपके पास डेल्टा फाई फेज डिफरेंस आ चुका है तो उस केस में आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो बेटा. रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती है स्क्रीन पर, उसको अगर मैं आई डैश कंसीडर करूं, और जो एक वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी अगर I1 है और दूसरे वाली वेव की अगर I2 है, तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई.
इस वजह से आप इंटेंसिटी लिख सकते हो। अब यहां जैसे दोनों सोर्स आइडेंटिकल हैं एक तरीके से, और दोनों की इंटेंसिटी अगर आई आई है, तो आई वन भी आई आई है और आई टू भी आई है, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, के दे रखा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दे रखा है, राइट। तो ये के हो गया, और ये आई और ये आई, ये भी कितना हो जाएगा, ये टू आई इंटू आई का अंडर रूट करोगे तो आई बचेगा ना, और डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लैम्डा है यहां पर, तो डेल्टा फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई आया ना फेज डिफरेंस। इफ डेल्टा फाई इज 2 पाई, 2 पाई 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो गया सिंपली, तो i plus 2i कितना आ गया, 4i आ गया, सो k इज इक्वल टू 4i, ये हमारे पास i के साथ k की वैल्यू जो है आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि lambda being the wavelength of the light used, ठीक है, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4, अब ये कह रहा है कि screen पर उस point पर intensity बताओ, जहां पर पथांतर जो है वो lambda बटा 4 है, path difference lambda by 4 है, तो path difference अगर lambda by 4 होगा, तो बताइए delta phi कितना आएगा फिर उस केस में, 2 pi by lambda into lambda by 4, यहां से इसको कट करें, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो pi by 2 आ गया, और जब ये pi by 2 मैं यहां पे रखूंगा, तो intensity मान लीजिए अब i dash है, तो अब i plus I plus 2I और cos pi by 2 कितना हो जाएगा, 0 ना, ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो I plus I कितना बचेगा, केवल 2I बचा ना, किन बचा बोलो, तो I dash जो है वो 2I आया, और 4I जो है वो K के इक्वल है, तो फिर I की वैल्यू K by 4 आ गई ना, K by 4 इसमें रख दूंगा, तो 2 into K by 4 कितना आया, K by 2, तो intensity screen पे कितनी आएगी, K by 2 के इक्वल आएगी, clear, तो वो आप देख सकते हैं यहां पर, K by 2 यहां पर ऑप्शन में गिवन है ना, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, इंटेंसिटी का रिलेशन, एम्पलीट्यूड का भी होता है, जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा पाई का अंडर रूट, है ना, तो ये बेसिक चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे डायरेक्ट अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी पूछे, तो रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये रिलेशन बेटा आप याद रखें, क्योंकि इन फॉर्मूलाज का डायरेक्ट यूज हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है बेटा अगर आपको डायरेक्ट याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट within the central maxima of single slit pattern, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये APMT 2015 में आया था, मतलब इसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है उनको मिक्स कर दिया गया है, राइट। जैसे मैं यहां पर इसका एक बार डायग्राम बनाऊं, देखना बेटा, जैसे ये स्लिट है, ये वाली स्लिट है, ठीक है, और सामने ये स्क्रीन है, करेक्ट, यहां से ये लाइट एनर्जी जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, स्लिट S1, स्लिट S2, स्लिट विड्थ जो है, इंडिविजुअल जो स्लिट्स आपको नजर आ रही है वो आइडेंटिकल है, A है, इसकी विड्थ भी A के इक्वल है और इस वाले की विड्थ भी A के इक्वल है, ये स्लिट विड्थ है, और स्लिट सेपरेशन जो है ना वो D के इक्वल है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो, उसमें मैक्सिमा मिनिमाज बनते हैं अल्टरनेटिवली, और डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो इंटेंसिटी पैटर्न हमें पता है, इंटेंसिटी पैटर्न किस टाइप से दिखता है, तो मैं उसको एक बार ड्रॉ करूं, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखता है, ऐसे करके, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने बनाया है, यहां पर ये फर्स्ट मिनिमा है डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, राइट। अगर आप इसमें डिफ्रैक्शन और किसको इंटरफेरेंस को एक साथ इंक्लूड करो बेटा, एक साथ इंक्लूड करो, मतलब यहां पर इस पार्ट के डिफ्रैक्शन को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, इस पार्ट के डिफ्रैक्शन को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको इंटेंसिटी पैटर्न कैसा नजर आता है वो आपके सामने अभी नजर आने वाला। देखो ये तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, देखो बेटा
60 steps. Right? ठीक है, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअल में एनवेलप का काम कर रहा है, इसके इसका कवर का काम कर रहा है. राइट, समझ गए बात को. और जो आप YDSC पढ़ते हो ना, उसमें जो डिफ्रैक्शन लेते हो ना, आप मैक्सिमम लेते हो डिफ्रैक्शन. मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जो स्लिट विड्थ होती है ना YDSC, जो आर्टिकल आप पढ़ते हो उसमें स्लिट विड्थ ये मान के चलिए बहुत ही कम होता है, नेक के बराबर ऑलमोस्ट. ये मान के चलिए कि लैम्डा के ऑर्डर का होता है, लैम्डा के एग्जैक्टली बराबर ही मान लीजिए आप. ठीक है, ऑलमोस्ट. क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फर्स्ट मिनिमा आता है उसके लिए लोकेशन, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फर्स्ट मिनिमा आता है उसके लिए लोकेशन साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए होता है. अगर ए जो है, ये विड्थ जो है, अगर लैम्डा के ऑर्डर का ही हो जाए, लैम्डा से लैम्डा कट गया, वन आया ना, साइन थीटा वन कब होता है, तो थीटा 90 होता है. 90 मतलब यू इन्फिनिटी. तो जब इन्फिनिटी होगा तो जो इसका फर्स्ट मिनिमा आएगा ना, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमा है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा. इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फिर ये जो इंटरफ्रेंस पैटर्न जो नजर आ रहा ना, वो यूनिफॉर्मली नजर आएगा अपन को ऐसे करके. ठीक है, मतलब स्क्रीन पे यूनिफॉर्मली नजर आएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप उतना कर नहीं सकते हो, इतना छोटा स्लिट विड्थ नहीं कर पाओगे. कर तो सकते हैं पर काफी कम नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में हमको स्क्रीन पर मोस्टली डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ ही इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिलता है बेटा. ठीक है, तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखें, है ना. तो हमसे अब क्या पूछा यहां पर, ये पूछा गया है कि जो स्लिट्स, टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, मतलब स्मॉल डी की जो वैल्यू 1 mm है. यहां पर स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 mm है, 10^-3 meter. और देखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा है, सॉरी, स्क्रीन इज 1 meter अवे, मतलब कैपिटल डी जो है वो 1 meter है दूर. ठीक है, और क्या पूछा इसने, वेवलेंथ जो लाइट की यूज कर रखी है वो 500 nanometer है, लैम्डा इक्वल्स टू 500 nanometer, 10^-9 meter. ठीक है, अब हमसे पूछा व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट. हमको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर, जिससे कि जो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 maxima, इसके अंदर 10 maxima बने विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न. जो सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है ना आपको सिंगल स्लिट पैटर्न का, इसके अंदर 10 maximas आपको नजर आ जाएं. बात आ रही है समझ में आपको, 10 maximas नजर आ जाएं. तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो मैंने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनाया है, मैंने एनवलप जो बनाया है, इसके लिए जो ये जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ जो होती है थीटा डिफ्रैक्शन के लिए, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लैम्डा बाय ए, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट लैम्डा बाय ए. एंड थीटा, अगर ये वाली डिस्टेंस अगर एक्स है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, अगर ये एक्स है देन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो आर्क अपॉन रेडियस एक्स बाय कैपिटल डी. यहां से आप एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए. और पूरी जो विड्थ की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, वो कितनी हो जाएगी, 2 times of x ना, तो 2 times of x का मतलब हो गया 2 lambda कैपिटल डी बाय स्मॉल ए. तो ये सिंगल जो स्लिट पैटर्न के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, उसकी विड्थ आ गई 2 lambda कैपिटल डी बाय स्मॉल ए. और इस विड्थ के अंदर जो जो डबल स्लिट जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके कितने मैक्सिमास मिल रहे हैं, 10 maximas मिल रहे हैं. एक मैक्सिमा जो होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है ना, फ्रिंज विड्थ. तो 10 maximas अगर आ जाए उसके अंदर, तो वो डेफिनेटली 10 lambda कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के इक्वल होगा ना. बोलो, बस कुछ नहीं किया, बराबर किया मैंने इसको, और कुछ नहीं किया. यहां से लैम्डा डी देखो कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, और यहां से आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए इक्वल्स टू डी बाय 5. और बेटा डी की वैल्यू देखें अपन, तो डी की वैल्यू कितनी है यहां पर, डी है हमारे पास 1 mm. तो 1 mm में अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं, तो 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5 mm, नहीं सॉरी, 5 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.2 mm. तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0.2 mm. ओके, ये था क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था. तो डिफ्रैक्शन के साथ इंटरफेरेंस को मिक्स किया था हमने, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इस टाइप की चीजें आप जरूर ध्यान रखें, ये पैटर्न जरूर ध्यान रखें, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट हूज विड्थ ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ
ऑफ द लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ लैम्डा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात हो रही है, डिफ्रैक्शन की बात हो रही है. इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, यस, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी. हिंदी में पढ़ सकते हो आप, किसी एकल झिर्री स्लिट की चौड़ाई ए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की कोटि की है, इस झिर्री पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक बड़ी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज आपतित होने से विवर्तन उत्पन्न होता है. यदि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी. अभी अभी हमने किया, तो अगर डी डिस्टेंस है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या आई थी, 2x आई थी ना, 2x बराबर 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए. सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, है ना. तो सेंट्रल मैक्सिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 352, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए YDSC इज आई नॉट. ठीक है, YDSC में हमें मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप से अपन को इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलता है. मैक्सिमम को हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, मिनिमम को बोलते हैं डार्क फ्रिंज, ठीक है. तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी वो आई नॉट है. डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा. दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 5 लैम्डा है. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 10 डी. ओके, तो YDSC में देखो बेटा, ये आपको दो स्लिट्स दे रखी हैं, S1, S2, ठीक है, सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पर हमें इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलता है. अब मान लीजिए कि यहां से जो वेव आ रही है और यहां से जो वेव आएगी, उन दोनों की स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी है वो आई है, इंडिविजुअली क्या है, आई है. और हमसे ये पूछा है कि किसी भी एक स्लिट के सामने, जस्ट फ्रंट में, यहां पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी. जैसे मैं इसी स्क्रीन पर यहां पर फ्रंट में आ जाता हूं, इस पॉइंट पे आ जाता हूं, लेट्स से द पॉइंट इज पी, तो एक तो वेव यहां से आएगी और एक वेव यहां से आएगी, ठीक है. इन दोनों वेव्स के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा पी पॉइंट पर, ठीक है. और हमें ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस डी है और जो d की वैल्यू हमें की दे रखी है, दैट इज 5 लैम्डा. और जो कैपिटल d जो आपको दे रखा है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है कैपिटल d, दैट इज 10 डी, मतलब ये हो गया 50 लैम्डा. तो लैम्डा के कंपेटिवली ये ज्यादा ही है, वैसे तो 5 लैम्डा से 10 गुना ज्यादा ही है d से. यहां पर ये इंटेंसिटी पैटर्न हमें देखने को मिलता है. अब ये यहां पर इंटेंसिटी बतानी हमें कितनी है, तो ये जस्ट फ्रंट में है, इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये पक्का पक्का d बाई 2 के इक्वल होगी, क्योंकि ये जस्ट इसका हाफ होगा, d बाई 2 होगा, है ना. इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन अगर आपसे कोई कहे, कोई पूछे, तो एंगुलर पोजीशन बेटा इन दोनों स्लिट का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा जाता है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन हॉरिजॉन्टल से, राइट, स्क्रीन के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उस लाइन से, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन थीटा. So, d by 2 है ये डिस्टेंस और ये कैपिटल d है, कैपिटल d इज 50 लैम्डा, तो इसका मतलब ये d जो है वो 50 लैम्डा है और ये 2.5 लैम्डा होगा, तो ये काफी स्मॉल है. तो इसमें अप्रोक्सीमेशन अपन ले सकते हैं, वो क्या, कि जो थीटा है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं यहाँ पर. थीटा इज इक्वल टू आ गया आर्क d by 2 और रेडियस कितनी आ गई, कैपिटल d, और d की वैल्यू बेटा 5 लैम्डा है हमारे पास, और कैपिटल डी की वैल्यू 50 लैम्डा है. इसको सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 1/20 आ गया, रेडियन के अंदर आइए, ओके, रेडियन में. ये हमारे पास एंगुलर पोजीशन आ गई. और इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है ना, वो तो हम जानते हैं कि अगर ये डी डिस्टेंस है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो उस केस में दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है बेटा, वो डी साइन थीटा के इक्वल होता है, d sin theta. And here theta is very very small. तो अगर theta small है तो ये path difference जो आया हमारे पास, जिसको मैं delta x से represent करूँगा, वो almost आप क्या लिख सकते हो, d theta लिख सकते हो. sin theta क्या हो जाएगा, theta हो जाएगा, क्योंकि chapter में approximation बहुत जगह आपको देखने को मिलता है. theta की value 1/20 है, तो ये 1/20 यहाँ रख दें, और d की value कितनी है, 5 lambda है, 5 lambda into 1/20,
ये वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 4। तो इस पॉइंट पर ये जो दोनों वेव्स आ रही है ना, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 के इक्वल है, और जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स के लिए लैम्डा बाय 4 अगर यहां रख दूं बेटा मैं तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 4 कितनी आ गई वैल्यू पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच में पाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मैक्सिमा मिल रहा है ना, मैक्सिमा वहां पर इंटेंसिटी जो आई नॉट है, समझ रहे हो बात को, मतलब इन दोनों वेव्स की मैंने इंटेंसिटी अगर आई कंसीडर की है स्क्रीन पर, तो मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी कितनी होती है, आई मैक्स कितना होता है मैक्सिमम के लिए, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, है ना। मिनिमा के लिए क्या होता है, रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वन भी आई है और आई टू भी आई है, तो रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4i आ जाएगा ना, और ये इसकी वैल्यू इसने आई नॉट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो आई नॉट बाय 4 हो गई, है ना, ये वैल्यू आ गई आई की। और अब मुझे इन दोनों वेव्स के कारण इस पी पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस जो भी इंटेंसिटी मिल रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और फेज डिफरेंस कितना बेटा पाई बाय 2 है, तो कोई जनरल एंगल अगर आपको फेज डिफरेंस दे रखा हो ना डेल्टा पाई, तो इंटेंसिटी क्या होती है, I is equal to, या इंटेंसिटी I डैश लिख दो, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi। ये फॉर्मूला याद रखने बेटा, ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला, ये तो याद रखें आप, किसी भी फेज डिफरेंस डेल्टा phi के लिए इंटेंसिटी क्या होती है, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi। तो यहाँ पर जो वेव्स जो सुपरइंपोज हो रही है, जो वेव्स जो बेटा इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके लिए इंटेंसिटी I डैश इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी I है, I2 की वैल्यू भी I है, यहां रख दूंगा मैं आई प्लस आई, ये टू रूट आई मतलब ये आई रूट फ्री हो जाएगा, आई आ जाएगा, और कोस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू है, कोस पाई बाय टू की वैल्यू आप जानते हो जीरो होती है, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, केवल टू आई आई, और बेटा आई की वैल्यू आई नॉट बाय 4 है, तो आई नॉट बाय 4 इसमें रख दोगे तो टू इंटू आई नॉट बाय 4, तो वैल्यू कितनी आई, आई नॉट बाय 2, सिंपल है ना। तो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, स्क्रीन पर आपसे कोई पॉइंट दे दे, बताइए कि अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस इतना है तो बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, या इस पॉइंट से डिस्टेंस दे दी जाती है कई बार, ठीक है, सेंटर स्क्रीन का जो सेंटर है ना, उस सेंटर से कोई डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट दे दिया, अब बताओ जरा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर आपको कोई पॉइंट दे दे सेंटर से, यहाँ पर मान लीजिए, तो आपका पहला काम क्या है, एंगुलर पोजिशन निकाल लो थीटा, थीटा इक्वल टू, अगर एंगल स्मॉल है ना तो उसके इसमें थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी लगाया वो वाला लगा सकते हो आप, है ना, वहां से थीटा आ गया, और पाथ डिफरेंस जो डी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये डी है, ये डी साइन थीटा होता है, पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा जो एडिशनल है, तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, फिर अगर थीटा स्मॉल है तो डी थीटा हो गया, और थीटा की जो वैल्यू यहाँ रख करके आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा आपके पास, और अगर फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और जो फेज डिफरेंस आपके पास है बेटा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, आराम से बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगेन डिफ्रैक्शन पे आए, देखो 2016 में, इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्वड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्ट चले अपन, देखो फर्स्ट मिनिमम के लिए हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लैम्डा बाय ए होता है फर्स्ट मिनिमम के लिए, सेकंड मिनिमम के लिए कितना होता है, 2 लैम्डा बाय ए होता है, थर्ड के लिए 3 लैम्डा बाय ए होता है, क्लियर, ये ध्यान में रखें आप, ये मिनिमम के लिए, फर्स्ट मिनिमम के लिए, या मिनिमम के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ऊपर भी पैटर्न मिलेगा नीचे भी पैटर्न मिलेगा, मिनिमम के लिए बात करें अपन, और सेकंड ऑर्डर जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं उनकी लोकेशन के लिए अगर आपसे कोई कहे मैक्सिमाज के लिए, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रखें आप, 2n+1 लैम्डा बाय 2a, 2n+1 प्लीज यहां पे प्लस लगाना माइनस नहीं, 2n+1 लैम्डा बाय 2a, ये मैक्सिमाज के लिए, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से, 0 से कहीं पे भी स्टार्ट मत करना, ना तो यहां पे 0 लगाना ना यहां 0 लगाना,
यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट करनी है और यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए, 3 लैम्डा बाय ए, इसमें 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाय 2 ए, देन नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 2 ए, क्योंकि 2 रखोगे 2 इंटू 2, 4 प्लस 1, 5, 5 लैम्डा बाय 2 ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमास की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। अब देखो आप क्या कह रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री एंगल पे हमें ऑब्टेन होता है, मतलब फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा 30 है, साइन 30 इक्वल टू लैम्डा बाय ए आ गया, और साइन 30 पता ही आपको कितनी होती है, 1 बाय 2 होती है, तो लैम्डा बाय ए इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया। अब क्या कह रहा हमें, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ, मतलब आपको जो द्वितीय कुचिष्ठ है ना वो किस कोण पर दिखाई देगा, उसके लिए एंगल पूछा है। तो अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला मैक्सिमास के लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a होता है ना, यही तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा, देखो बेटा सेंट्रल वाला जो मैक्सिमा मिलता है ना उसको प्राइमरी मैक्सिमा बोला जाता है, वो प्राइमरी मैक्सिमा होता है, सेंट्रल वाला सबसे बड़ा होता है वो, और उसके बाद में जो बने थे ना इस टाइप का पैटर्न मिला था आपको स्क्रीन पर, इन मैक्सिमास की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये सेकेंडरी मैक्सिमास है, ये जितने भी मिलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमास है, और सेकेंडरी मैक्सिमा मैक्सिमास में भी ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर इसका अगला जो बनेगा सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इसी तरीके से नीचे भी ये प्राइमरी मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमास, ये सेकेंडरी मैक्सिमास की लोकेशन है, फर्स्ट के लिए मतलब n बराबर 1 रख दो, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2a, और बेटा यहां लैम्डा बाय a की वैल्यू 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 यहां रख दोगे तो 3 बाय 4 आ जाएगा ना, लैम्डा बाय a की वैल्यू 1 बाय 2 तो 3 बाय 4 आ जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू 3 बाय 4, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 3 बाय 4, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उसकी लोकेशन है sin इनवर्स 3 बाय 4, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो मैक्सिमास का भी जरूर ध्यान रखें और जो फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताए थे वो भी ध्यान रखें बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो एन, दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हमेशा बेटा कोहेरेंट लाइट सोर्सेज के बीच में ही होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस की फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि जो फेज डिफरेंस होता है ना डेल्टा फाई, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ, अगर वो कांस्टेंट है तो हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है बेटा, ठीक है। और उसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। अगर आपको बाय द वे अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा हो कि दोनों जो सोर्स हैं उनकी वो कोहेरेंट नहीं है, तो फिर जो इंटेंसिटी पैटर्न है स्क्रीन पर वो फ्लक्चुएट होता है, देन फिर हमें इंटेंसिटी, हम इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और एवरेज वैल्यू होती है I1 प्लस I2। अगर बाय द वे अगर आपको दो नॉन कोहेरेंट सोर्स के लिए अगर आपको इंटेंसिटीज गिवन हो I1 एंड I2 और आपसे अगर पूछे कि बताइए स्क्रीन पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी हमें, तो इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2 केवल, वो एवरेज वैल्यू होगी इंटेंसिटी की, ठीक है। लेकिन यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज हैं और मान लीजिए कि दोनों की जो इंटेंसिटी है, एक की इंटेंसिटी I1 है दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो हमें इसने इन दोनों इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है n, I1 बाय I2 इज n, और अब हमसे पूछा है कि Imax माइनस Iminimum अपॉन Imax प्लस Iminimum क्या होगा। Imax मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी, Iminimum मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी, बस ये वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। देखिए Imax की बात करें तो Imax के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, है ना। और Iminimum की बात करें तो क्या लिखोगे, रूट ऑफ I1 माइनस तो I2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो I1 बराबर n I2 आ जाएगा ना, n I2 यहां रख सकता हूं मैं, ठीक है, I1 बराबर n I2 यहां रख दूं तो कितना आएगा, ये रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर, और इस तरफ I2 बाहर आ जाएगा, बताओ रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर और I2 बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि रूट I2 दोनों से बाहर आएगा तो स्क्वायरिंग है तो रूट I2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा। और सिमिलरली इसमें रखें तो n I2 तो यहां पर रूट ऑफ n1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू में I2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, Imax माइनस Iminimum अपॉन Imax प्लस Iminimum, बस केवल मैथमेटिक्स बची है
और इस मैथमेटिक्स को हमें देखना है। आई मैक्स माइनस आई मिनिमम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड भी कर दीजिए, होल स्क्वायर करोगे तो रूट ऑफ एन का होल स्क्वायर एन आएगा प्लस वन, फिर टू रूट एन आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसका होल स्क्वायर करोगे तो एन, फिर माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू एन रूट टू रूट एन, और इधर की तरफ ये आई टू आ गया। सेम पैटर्न नीचे आई मैक्स प्लस आई मिनिमम में आएगा, एन प्लस वन प्लस टू रूट एन, ठीक है, यहाँ ये प्लस आएगा एन प्लस वन, लेकिन यहाँ पर माइनस टू रूट एन आ जाएगा, ठीक है, और नीचे I2, इस वे से I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n1 n1 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा 4 रूट एन। डिवाइड में अगर हम बात करें तो 2 रूट एन 2 रूट एन कट जाएगा, n प्लस वन तो 2 इंटू में n प्लस वन आ गया, डिवाइड में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट एन अपॉन में n प्लस वन, ये आप देख सकते हो 2 रूट एन अपॉन में n प्लस वन इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा, करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3355 पे आइए। ए लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02, अपर्चर मतलब स्लिट की तरह, लीनियर अपर्चर मतलब स्लिट, 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय ए पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ दिस, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड of the diffraction pattern from the center of the screen, ये भी 2016 में आया था, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ये भी डिफ्रैक्शन पे बेस दे देखो, डिफ्रैक्शन पे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, अपर्चर है लीनियर अपर्चर मतलब सिंगल स्लिट, सामने स्क्रीन है और इसमें ये कहा गया है कि इस स्लिट के जस्ट फ्रंट में ही आपने एक लेंस यूज कर लिया। लेंस का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी लाइट रेज आती हैं वो इसको फोकस पर, अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं अपन, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम जो स्क्रीन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करना होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लेनी हमें, लेकिन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो हमें या लार्ज डिस्टेंस पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें देखना है वो अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस के लिए देखना चाहते हैं तो लेंस का यूज़ कर सकते हैं आप। लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज को फोकस पर कन्वर्ट कर देता है बेटा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी इसकी फोकल लेंथ के इक्वल होगी और यहाँ पर हमें अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा और फर्स्ट डार्क फ्रिंज कुछ ना कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है, और फर्स्ट के लिए एंगुलर पोजीशन जो थीटा है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है, और उसके उसी के हिसाब से अपन इसकी विड्थ यहाँ से या डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसमें यही दे रखा है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अपर्चर जो है उसकी विड्थ कितनी है, ए की वैल्यू 0.02 है सेंटीमीटर में, ठीक है, लैम्डा जो है वो आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखें तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर में, और ए की जो वैल्यू है वो 0.02 है, तो 0.02 की बात करें 2 × 10⁻²² आ गया, ठीक है, 0.02 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, ये -3 आ गया और ये काफ़ी स्मॉल है वैसे भी नज़र आ रहा है अपन को, तो इसका मतलब थीटा जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 5 × 10⁻³² रेडियन के अंदर है ये एंगल, ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल है, ये वैल्यू स्मॉल है ना, इसलिए मैंने इसको साइन थीटा को थीटा लिख दिया यहाँ पर। अब जब थीटा आपके पास है तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, लेंस दे रखा तो फोकल लेंथ को आपको यूज करना है, तो बेटा थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस एक्स बाय एफ, देन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया एफ थीटा, बस इसको एफ को थीटा से मल्टीप्लाई करना है आपको, आपको फोकल लेंथ इसकी गिवन है, देखो 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और आंसर भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एफ जो है वो 60 रख दीजिए आप, इंटू में ये जो वैल्यू आई हमारे पास 5/2 × 10⁻³ यहाँ रख दीजिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं है, इसको कट करें अपन, ये 30 और ये 150 × 10⁻³ सेंटीमीटर आ गया, और हमसे क्या डिस्टेंस पूछी है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ऑब्वियसली तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जो फर्स्ट डार्क बैंड है उसकी डिस्टेंस कितनी, ये वाला डिस्टेंस पूछिए हमसे, बस एक्स की वैल्यू पूछी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर, है ना, इसको पॉइंट में रख देंगे तो 0.15 सेंटीमीटर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where the 5th dark fringe lies in the air. अच्छा एयर के अंदर, अच्छा ये बताइए कि जो डार्क फ्रिंज होती है उनकी लोकेशन क्या होती है YDSC के अंदर, डार्क फ्रिंज की लोकेशन मालूम है? Y equals to 2n minus 1 lambda d by 2 small d होती है ना, यही होती है। n की वैल्यू 1 रखते हैं अपन, 1 से स्टार्ट करते हैं ये वैल्यू। ये डार्क फ्रिंज की लोकेशन है या पोजिशन है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ब्राइट फ्रिंज के लिए लोकेशन क्या होती है? एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए लोकेशन होती है। अब ये कह रहा है कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर, मतलब जो फिफ्थ, जो पांचवी जो काली फ्रिंज है ना उसकी पोजीशन क्या है वो निकालते हैं सबसे पहले, पांचवी काली फ्रिंज की मतलब फिफ्थ डार्क फ्रिंज की, वो भी एयर के अंदर। तो एयर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, लैम्डा, लैम्डा जो यहां पर लिखा है ना मैंने वो, ये एयर के अंदर है। तो एन की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, रख दिया, ठीक है, ओके। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर, सॉरी यहां पर रखना है डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की लोकेशन ये है, यहां पर रखना है मुझे। तो एन की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 5 रखनी है। तो 5 × 10, 10 − 1 = 9, राइट, 9 लैम्डा डी बाय 2d, है ना। फिफ्थ डार्क फिंच मतलब n की वैल्यू यहां पर 5 रखनी थी, तो ये 9 लैम्डा, ठीक है। तो ये डार्क फिंच के लिए ये लोकेशन आ गई, और ये कह रहा है कि 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, तो मीडियम में क्या आ जाएगा? मीडियम में बेटा लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाय म्यू जाती है, तो लैम्डा को बस लैम्डा बाय म्यू से रिप्लेस करना है, और 8th है इसका मतलब n की वैल्यू 8 रख देनी है, 8 लैम्डा डी बाय म्यू डी आ गया। और ये क्या कह रहा है? दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, मतलब जो पांचवी काली फ्रिंज है ना एयर के अंदर, वो आठवी जो चमकीली फ्रिंज है माध्यम के अंदर उसके साथ मैच कर रही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, मतलब सेम पोजीशन पे बन रही है। सेम पोजीशन का मतलब, बनने का मतलब दोनों जो है वो बराबर बराबर होंगे, वाई की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी बेटा। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो इन दोनों को इक्वल कर दें अपन, तो इसके बराबर मैं रख देता हूँ 9 लैम्डा डी बाय 2d, तो लैम्डा डी डी ये कट गया इससे, 2 से इसको कट कर देते हैं, सॉरी 2 से इसे क्यों कट कर रहा हूँ, म्यू इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 16/9, राइट, 16/9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा? 1.7 ना 70, तो ये 7 के अप्रोक्स आएगा, 1.78 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो 1.78 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 357। टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, ए थर्ड पोलरॉइड P3 इज कैप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दैट ऑफ P1, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 इज। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेलस लॉ पर बेस्ड है बेटा, है ना, पोलराइजेशन पर है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, देखो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए आप इस तरीके से इस सिंबल से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है अनपोलराइज्ड लाइट की? अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0, इंटेंसिटी I0, ठीक है। इसके आगे अगर आप एक पोलरॉइड रख दो और पोलरॉइड की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो सपोज ये वाली है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है ना, जो इससे पास थ्रू होगा, जो इसमें से बाहर आएगा, वो केवल इसी एक्सिस के अलोंग वाला आएगा। तो अगर एक पोलरॉइड लगाते हो ना अनपोलराइज्ड लाइट के आगे, अगर एक सिंगल पोलरॉइड आप लगाते हो, तो ध्यान रखना ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ही वाइब्रेशन बचता है और इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, जस्ट आधी, ठीक है। I0 है अगर अनपोलराइज्ड लाइट, तो बाहर I0/2 आएगी, ये अनपोलराइज्ड है ध्यान रखना, और ये प्लेन पोलराइज्ड हो गए, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है। और आपने क्या किया, यहां पर एक पोलरॉइड रखा हुआ है और ये पोलरॉइड जो है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे,
मतलब पहले वाली जो डायरेक्शन है ना वो ये वाली है, ये वाली, इसे जस्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब अब ये लाइट जो है, ये जो वाइब्रेशन है, ये इसमें से पास थ्रू नहीं हो सकता। मैलस लॉ में बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैलस लॉ में क्या है कि अगर किसी पोलरॉइड के से अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट आती है, प्लेन पोलराइज लाइट आती है, उसकी इंटेंसिटी अगर आई है, प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी आई है अगर, तो और ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ जो वाइब्रेशन का जो एंगल है वो थीटा है, तो जो लाइट जो पास थ्रू होती है उसकी जो इंटेंसिटी आई डैश इक्वल टू आई कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। ये मैलस लॉ बहुत ही सिंपल सा, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पोलरॉइड है ना, और ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई है, प्लेन पोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी आई है, और यहां पर अगर इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ इस तरफ है ना, इस लाइन से, मतलब इसके जस्ट ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन से ये ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाली है, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इससे जो वाइब्रेशन जो पास थ्रू होगा, वाइब्रेशन बेटा ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरीके से ये वाला वाइब्रेशन बचेगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब एक बार बताइए, अगर थीटा 90 कर दिया जाए, जैसे ये आई नॉट बाई टू है, अब अगर यहाँ पे थीटा 90 है, ये वाला 90 कर दीजिए, कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, तो इससे लाइट बाहर ही नहीं निकलेगी, जीरो इंटेंसिटी, जीरो मतलब अंधेरा, डार्कनेस एकदम, ठीक है, लाइट इससे बाहर नहीं आ पाएगी, अगर आपने इन दोनों को क्रॉस फॉर्म में रखा है तो नहीं आएगी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी हमें बाहर। लेकिन इसने कहा है कि एक और पोलरॉइड जो है वो इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, और वो पोलरॉइड जो है वो इस वे से आपने सेटल किया इसके अंदर कि उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ना, जैसे ये वाली एक्सिस है इसके पैरेलल वाली, इससे इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो 45 डिग्री एंगल पर है, ये दे रखा आपको, ठीक है, 45 डिग्री एंगल विद दैट ऑफ P1। अब आपसे पूछा, अब बताओ जरा बाहर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो अब इसको हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। देखो यहां से आई नॉट आया, आई नॉट बाई टू सॉरी, यहां से जो लाइट आएगी बाहर उसका वाइब्रेशन ऐसा बचेगा, उसकी जो इंटेंसिटी वो मान लीजिए I1 है, तो I1 पक्का पक्का आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और कॉस 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू का स्क्वायर मतलब 1 बाय 2, तो I1 आ गया हमारे पास I0 बाय 4। अब वाइब्रेशन ऐसे बचा है, अब इस वाइब्रेशन के साथ ये डायरेक्शन ये वाली देखो, इस वाइब्रेशन के साथ इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो भी तो 45 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि इस वाले के साथ और इस वाले के साथ एंगल 90 था, तो अब जब इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी तो इससे जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी अगर मैं I2 कंसीडर करूं, तो I2 पक्का I1, जस्ट इससे पहले वाले में क्या I1, यहां पर I1 है, I1 इनटू cos स्क्वायर, अब इनके बीच में एंगल कितना है, अगेन एंगल 45 है, cos स्क्वायर 45, तो I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, I0 बाय 4, और cos स्क्वायर 45 बेटा cos 45 1 बाय √2 का स्क्वायर वापस 1 बाय 2, दैट मींस I2 इज इक्वल टू I0 बाय 8। तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमें बाहर मिलेगी, I0 बाय 8, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहां पर I0 बाय 8 जो है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिंपल जो पोलराइड है, पोलराइजेशन से रिलेटेड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैलस लॉ सबसे खास है, ठीक है, मैलस लॉ हो गया, ब्रूस्टर एंगल वाला पार्ट हो गया, दोनों चीजें जो है बड़ी खास है बेटा, उन पर एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट को प्लीज आप अच्छे से कवर करें, है ना, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आता है बेटा, और करना भी बड़ा आसान होता है, बहुत कम समय में क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 358 पर, इन YDSC द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, डी की वैल्यू गिवन हमें, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ भी गिवन है, एंड द डिस्टेंस कैपिटल डी बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 100 cm, कैपिटल डी भी गिवन है, देखो आपको, इट इज फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.20 डिग्री, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्मॉल डी इज द स्लिट सेपरेशन, स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको डिग्री के अंदर दे रखी है, और बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी जो लगाते हैं वहां जो बीटा आता है वो रेडियन के अंदर आता है, ध्यान रखना, तो इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21 विद सेम लैम्डा
and capital D, the separation between the slits needs to be changed to. ठीक है, तो चलो हिंदी में देख लेते हैं. यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच पृथक्कन डी 2 mm है तथा झिर्री से पर्दे की जो दूरी है डी को 100 सेंटीमीटर रखते हुए तरंग दैर्ध्य लैम्डा 5896 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का उपयोग किया जाता है. यह पाया गया कि फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई इतनी है, तब उन्हीं लैम्डा डी के लिए फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को बढ़ाकर 0.21 डिग्री, बीटा की वैल्यू हल्की सी बढ़ी है देखो, करने के लिए झिर्रियों के बीच के पृथक्कन को करना होगा. अब कितना होना चाहिए जिससे कि ये वाला एंगल हो जाए, है ना. ठीक है, तो ध्यान से देखना आप. एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है बेटा रेडियन में. ठीक है, रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइड बाय पाई, बस इससे मल्टीप्लाई करना, आपको आपके पास डिग्री में आ जाएगा. पहले आपको क्या दे रखा है, बीटा की वैल्यू 0.20 डिग्री दे रखा है ना. लैम्डा कह रहा है चेंज नहीं करना, डी जरूर चेंज कर सकते हैं अपन. ठीक है, पहले तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.20 है. ठीक है, दूसरे वाले केस में लैम्डा सेम रखा है लेकिन स्लिट सेपरेशन चेंज कर दिया आपने इनटू में 180 बाय पाई, अब ये कितना हो गया, 0.21 डिग्री ऐसा. ठीक है, अब हमें डी डैश की वैल्यू निकालनी है. अब इनको डिवाइड कर दो, आप देखो लैम्डा 180 बाय पाई, लैम्डा 180 बाय पाई, सारी सारा कट जाएगा. तो डी डैश बाय डी कितना आएगा, यहां पर देखिए इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डी डैश ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये डिवाइड होगा तो 0.2 अपॉन में 0.21. ठीक है, तो डी डैश की वैल्यू कितनी है, यहां पर डी डैश इक्वल टू आ चुका है 0.20, चाहो तो इसको कट कर दो वैसे भी, 20 अपॉन में 21. ठीक है, और इनटू में डी जो पहले जो सेपरेशन था कितना था, सेपरेशन पहले था स्लिट सेपरेशन कितना था हमारे पास, 2 mm था. ठीक है, तो ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/21 आ गया. 40/21 कितना होता है रफली, ये आप ये कह सकते हो कि 1.9 के राउंड होगा, है ना, 1.9 के राउंड कहाँ गए, हाँ 1.9 mm के आसपास इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, 1.9 खत्म. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 358, राइट, है ना. तो सिंपली क्वेश्चन है, वैसे डाटा इसके अंदर बहुत ज्यादा दे रखा है लेकिन उसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पर तो केवल हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात पूछी थी, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, उसके अलावा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिग्री में लिखना था ना, रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो इसको डिग्री में लिख करके डिवाइड करेंगे तो हालांकि वो वैल्यू कट जाएगी, फिर भी हमें वो चीज़ करनी थी. और उसके बाद में हमने स्लिट सेपरेशन की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली, तो 1.9 के ऑलमोस्ट ही आएगी, 2 से कम आएगी ना, जस्ट थोड़ी सी कम आएगी 2 से. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 359 पे आइए. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, लैम्डा गिवन है, देखिए द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 meter अवे was found to be 0.2 degree. देखो अगेन ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे आ गया, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये फर्स्ट मिनिमा की, वो भी और 1 मीटर दूर स्क्रीन रखी है और कितनी आ रही है, 0.2 डिग्री आ रही है. व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर. एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी होती है. अगर आपने वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया तो फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, तो लैम्डा बाय म्यू डी हो गया. और एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाय डी होती है, चाहे डार्क की ले लो चाहे ब्राइट की ले लो, सेम रहती है दोनों, ब्राइट और डार्क की सेम रहती है. इसका मतलब बीटा डैश जो बीटा बाय म्यू के इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया. तो अगर अगर एयर के अंदर ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतनी है, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा या डार्क फ्रिंज के लिए भी उतनी होगी, लेकिन मीडियम में बात करें तो कितनी हो जाएगी, 0.2 बाय म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3, और 4/3 अगर आप करें इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसको कट कर दीजिए 2, और ये 0.3/2 मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी.
ठीक है, तो ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके तो ये थे आपके वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं वाईडीएससी पर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पर। डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस पार्ट को जरूर आप इग्नोर ना करें। वाईडीएससी भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी का जो भी रिलेशन है वो अपन को आना चाहिए। उसके अलावा पोलराइजेशन में बात करें तो पोलराइजेशन में भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैलस लो हो गया, ब्रूस्टर एंगल हो गया। उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट जो है लाइट का, है ना, वो भी आपको आना चाहिए। तो वो पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है आप प्लीज़ अच्छे से कवर करके रखें ताकि आप, आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड छूटे ना। ठीक है बेटा, ओके, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।